तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश की जनता को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज आज रीवा एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम शिवराज आज रीवा एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। तो दोपहर 12:50 पर हवाई पट्टी चोहरटा रीवा पहुंचेंगे। रीवा एयरपोर्ट निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे सीएम शिवराज। तो मंत्री सिंधिया भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री महिला सम्मेलन में भी भाग लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम शिवराज आज रीवा एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 3:20 पर हेलीकॉप्टर से जबलपुर प्रस्थान करेंगे और शाम 4:20 पर वायुयान से भोपाल प्रस्थान करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज सीएम शिवराज आपको बता दें कि रीवा एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 12:50 पर हवाई पट्टी चोहरटा रीवा पहुंचेंगे। तो रीवा एयरपोर्ट निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश की जनता को सीएम शिवराज एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की जनता जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकेगी, क्योंकि अब रीवा आपको पहुंचेंगे सीएम शिवराज। और आपको बता दें कि रीवा एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। तो करीब दोपहर 2:50 पर हवाई पट्टी चोहरटा रीवा पहुंचेंगे सीएम। इसके बाद रीवा एयरपोर्ट निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रद्युमन शुक्ला जुड़ चुके हैं। प्रद्युमन, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जनता को एक के बाद एक कई सौगात सीएम शिवराज देते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से हमने देखा है कि आने वाले वक्त में देश में और भी कई जगह पर एयरपोर्ट बनेंगे, इसी तर्ज पर हम देख रहे हैं कि रीवा में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने आज जाएंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी? कि रीवा ही नहीं पूरे विंध्य के लिए 15 फरवरी यानी आज का दिन बड़ी सौगात देने वाला दिन बनने जा रहा है। केंद्रीय नागर परिवहन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा एयरपोर्ट निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। एयरपोर्ट निर्माण की कुल लागत तकरीबन 239.95 करोड़ रुपए है। समारोह में केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री 747.59 करोड़ के 32 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। जी प्रद्युमन, अगर बात करें तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी होता है, यानी कि उस देश में जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, चाहे वो रेल हो, एयरपोर्ट हो या किसी भी अन्य तरह का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है, जब उसका विस्तार होता है तो देश में सभी जगह से विकास जो है वो आता है। ऐसे में अगर बात करें तो ये जो एयरपोर्ट बनने वाला है, ये किस तरह का एयरपोर्ट होगा? डोमेस्टिक होगा, इंटरनेशनल होगा, या इसमें सभी तरह के काम हो पाएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे सभी प्रकार के एयरपोर्ट बनने जा रहा है रीवा। और सबसे बड़ी बात तो रीवा के लिए नहीं, पूरे विंध्य के लिए अच्छी सौगात मानी जा रही है। और बात करें यहाँ के रीवा विंध्य प्रदेश वासियों की, तो उनके द्वारा एक ही बात बोली जा रही कि जो अब तक में इस 15 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी सौगात और रीवा के विंध्य प्रदेश के लिए है। और यहाँ तक की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर कोई व्यवसाय लगाता है और व्यवसायिक कार्य के लिए ट्रेन भी है, इसके बाद भी सही समय पर लोग व्यवसायिक कार्य नहीं कर पाते थे। तो जिसको ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और रीवा के राजेंद्र शुक्ला जी, जो वर्तमान में विधायक है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो एक अच्छी रीवा को सौगात मिलने जा रही है। और ये कि ये कहा जाए कि एक पर्यटक स्थल ही चचाई जलप्रपात है, उसके लिए भी अच्छी खुशखबरी है। जी अगर बात करें प्रद्युमन, तो हम देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश से आते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार इस तरह की बातें कहते हैं कि मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाई जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं रोजगार की तरफ बढ़ते कदम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब एयरपोर्ट बनेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, यह कहना गलत नहीं होगा कि रोजगार तभी बढ़ेगा जब विकसित होगा, है ना। और एयरपोर्ट अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे ज्यादा प्राथमिकता तो यही देनी चाहिए कि जहाँ के हैं और रीवा वासियों के, स्थानीय लोगों को सबसे रोजगार मिलने वाला है। जी
रद्दुमन अगर बात करें तो इसके बाद और क्या कुछ कार्यक्रम होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भूमि पूजन के बाद, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो महिला सम्मेलन में भी भाग लेंगे, इसके बाद वापस भोपाल प्रस्थान करेंगे। पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, इसके बाद महिला सम्मेलन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वृद्धा पेंशन में भी मुख्यमंत्री के द्वारा इजाफा कर दिया गया है। 600 के स्थान पर 1000 रुपये प्रतिमाह का वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। और यहाँ से सीधे जबलपुर के लिए, जबलपुर से सीधे भोपाल के लिए निकल प्रस्थान करेंगे। जी प्रद्युमन, धन्यवाद आपके इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम शिवराज आज रीवा एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 2:50 पर हवाई पट्टी चोरा रीवा पहुंचेंगे, रीवा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान।